सब्सक्राइब कीजिए इज माई कार सर्च चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए सारे नोटिफिकेशंस पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इज माई कार सर्च और मैं हूं आपका दोस्त सुनील। और आज के इस वीडियो में मैं करने वाला हूं अपनी नई कार की अनबॉक्सिंग। जी हां, जैसा कि आप ये बॉक्स देख सकते हैं और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैंने कौन सी कार खरीदी है। तो इस कार को मैंने क्यों ख़रीदा, इस पे मैं अलग एक वीडियो बनाऊंगा। फ़िलहाल इस वीडियो में हम करेंगे अपनी इस नई कार की अनबॉक्सिंग और देखेंगे कि इसमें क्या कुछ फीचर्स हमें मिल जाते हैं। तो चलिए करते हैं अनबॉक्सिंग। तो आप जैसे कि देख सकते हैं, ये है हमारी नई कार और इसको अभी मैं अनबॉक्स कर रहा हूँ। और ये रही हमारी नई कार और ये है हुंडई की ग्रैंड i10 और ये है स्पोर्ट्स वेरिएंट। तो ये मैंने कलर चूज किया है फियरी रेड। ये और भी तमाम कलर्स में अवेलेबल है लेकिन मैंने यहाँ पे फियरी रेड कलर को चूज किया है। एक्चुअली मैंने नहीं, मेरी वाइफ ने ये कलर चूज किया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये फेरी रेड कलर में काफ़ी स्टनिंग दिखती है, मुझे भी काफ़ी अच्छी लगी और मेरी फैमिली को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। तो ये कार का फ्रंट लुक है और आप देख सकते हैं। इसके साथ ही हम इसके इंटीरियर और इसमें आने वाले फीचर्स की भी बात कर लेते हैं। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसमें हमें क्या कुछ फ़ीचर्स मिलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इसमें आपको एक अच्छा सा फ्रंट ग्रिल मिलता है जो काफ़ी डिसेंट दिखता है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं दिखता है, बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं दिखता है, एक डिसेंट लुक है। इसमें आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स वगैरह नहीं मिलते हैं, फ्रंट का फॉग लैम्प मिल जाता है। साइड से देखने पे भी ये कार काफ़ी अच्छी एक डिसेंट लुक देती है। इंटीरियर इसका काफ़ी अच्छा है, फिट एंड फिनिश काफ़ी अच्छा है, प्लास्टिक क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त यूज की गई है। और इसका इसमें आपको 7 इंच का टच स्क्रीन एंटरटेनमेंट सिस्टम मिलता है जिसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले का सपोर्ट भी मिल जाता है। ये 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आती है। इसका फ्रंट सीट मुझे काफ़ी कंफर्टेबल लगा। बाकी मैं डिटेल में आपको बताता रहूँगा कि ओवर द टाइम यूज करने के बाद ये कैसा रिएक्ट करती है या कैसा मैं इसको जज कर पाता हूँ या कैसा ये आगे चल के कैसा मुझे महसूस होती है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। इसमें आपको डे नाइट IRVMs मिल जाते हैं। इसमें आपको रियर AC वेंट्स भी मिलते हैं और रियर की सीट भी काफ़ी अच्छी है। और ये इसका फ्रंट लुक देख सकते हैं। इसमें आपको स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिल जाते हैं फ़ोन और ऑडियो के लिए। इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप देख सकते हो। इसका डिटेल वीडियो मैं आपको बना के दिखाऊंगा कि इसमें क्या कुछ फीचर्स हैं। और ये है पीछे का डोर जो काफ़ी वाइड ओपन होता है और अगर आपके घर में एल्डरली लोग हैं तो उनको भी बैठने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। इसके डोर में आपको 1 लीटर के बॉटल रखने का स्पेस मिल जाता है। और रियर AC वेंट्स के पास आपको एक फ़ोन चार्जिंग का ऑप्शन भी मिल जाता है। ये आपको रियर में पार्सल ट्रे भी इसके साथ मिलता है। यहाँ पे मैंने सीट कवर मुझे एक्सेसरी के रूप में मिली है तो मैंने वो लगवा लिया है। और साथ में एक्सेसरीज के रूप में मुझे मैट भी मिले हैं। इसके साथ ही आप देख सकते हो कार काफ़ी डिसेंट लुक के साथ आती है। और इसमें मैंने ये कार इसलिए चूज करी क्योंकि मेरे बजट में इसमें ABS, EBD, डुअल एयरबैग, रियर डिफॉगर जैसे फीचर्स मिल रहे हैं। साथ ही साथ इसमें रिवर्स पार्किंग सेंसर्स और रिवर्स पार्किंग कैमरा भी अवेलेबल था जिसमें एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो का सपोर्ट भी है। इसका म्यूजिक सिस्टम भी अच्छा है, डिसेंट है, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग नहीं, बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं, लेकिन बहुत ही अच्छा है। इसमें 4 स्पीकर्स आते हैं और इसके टच स्क्रीन में आप म्यूजिक सिस्टम को अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर कर सकते हो। स्पीकर्स को कौन सा स्पीकर कब बजाना है आपको वो भी आप चूज कर सकते हो। ये इसका रियर लुक है, काफ़ी अच्छा और अट्रैक्टिव दिखता है। और ये इसका ऊपर का देख सकते हो, मैंने एंटीना को अभी निकाला हुआ है क्योंकि मैंने कवर चढ़ाया हुआ था। और ये इसका आप साइड लुक ऊपर से देख सकते हैं। मुझे ये कार काफ़ी पसंद आई और चूंकि इसमें सारे फीचर्स थे, रिवर्स पार्किंग कैमरा, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, ABS, EBD, डुअल एयरबैग, फ्रंट फॉग लैम्प्स के साथ साथ रियर डिफॉगर जैसे फीचर्स अवेलेबल थे तो मैंने ये कार फाइनलाइज की। इस पर मुझे एक अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल रहा था जिसकी वजह से मैं इस कार को ख़रीदा। मेरे लिस्ट में स्विफ्ट भी थी, टाटा की टियागो थी, टिगोर थी, इवन मैंने i20 भी देख रहा था, लेकिन i20
में मुझे मैगना मेरे बजट में आ रही थी जिसमें इतने सारे फीचर्स नहीं थे, और तो मैंने ग्रैंड आई10 स्पोर्ट्स वेरिएंट को चूज किया। और इसका डिटेल रिव्यू मैं कुछ दिन यूज करने के बाद आपको ज़रूर बताऊंगा कि ये कार कैसी है। फ़िलहाल ये कार बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है मेरे हिसाब से, और इसके अभी तक मुझे लगभग 10 दिनों से मैं यूज कर रहा हूँ और मुझे किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम इसमें महसूस नहीं हुई है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये कार अनबॉक्सिंग का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए, और अगर आपको ग्रैंड आई10 स्पोर्ट्स या ग्रैंड आई10 के बारे में और भी कुछ जानना है, इसमें क्या कुछ फीचर्स आते हैं डिटेल में जानना है, तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके लिए ऐसी और सारी वीडियोज़ भी बनाता रहूँगा। तो मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।